आइए मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम कढ़ी बनाएंगे जो गुजराती कढ़ी है, बहुत ही पॉपुलर है, तो सबको पता नहीं होता है शायद, तो इसलिए हमने आज ये कढ़ी का वीडियो बनाया है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमने बेसन में एक दो बड़ा स्पून बेसन लिया है और उसमें दही और पानी मिला के, दही भी दो बड़ा स्पून ले लेना है और उसमें पानी मिलाना है। फिर ये तीनों को अच्छे से ना विस्क कर लेना, गुठलियाँ न रहे बेसन की। उसके अंदर करी पत्ता, हींग, हल्दी, नमक, ग्रीन मिर्ची सब कुछ डाल के मिक्स करके, सोल्ट भी आपके टेस्ट के अनुसार डाल दीजिए। मैंने एक स्पून भर के डाल दिया है। अभी इसे गैस पर हम उबालने के लिए रख देंगे, तब तक यहाँ तड़का भी रेडी कर देंगे। तो ये उबाल आने तक उसको ना चम्मच से चलाते रहना, नहीं तो बेसन है नीचे चिपक जाएगा, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इसे चम्मच से चलाते रहना। अगर आपको और थिक लग रहा है, बेसन गाढ़ा हो जाता है ना धीरे धीरे, तो आप थोड़ा सा पानी और मिला सकते हैं। आपको पतला लगता है तो उसको उबलने दो, तब तक ये बेसन पक जाएगा। और बेसन ना उबलने के बाद उसको एकदम कड़क उबलना चाहिए, नहीं तो बेसन कच्चा रह जाता है, इसलिए इसे बराबर उबालना जरूरी है। एक बॉईल, दो बॉईल आना जरूरी है। उसमें गुड़ एक बड़ा पीस डाल दीजिए, तो ये दो स्पून छोटा हो जाता है। तड़के के लिए हमने घी लिया है और जीरा। जीरे से तड़के का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और घी का स्मेल बहुत ही अच्छा सुंदर आता है, तो टेस्टी एकदम एक अच्छी सी लहजत आ जाती है उसमें। और इसमें ये कढ़ी बनाते हैं ना, कढ़ी एक चटनी का रूप ले लेता है, जो हम किसी भी पकोड़े भजिए के साथ भी खा सकते हैं। आप मुठिया बनाए तो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। कोई अच्छी सी पेटीज वगैरह बनाया है, टिक्की वगैरह, तो उसमें भी कढ़ी जाती है, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। कढ़ी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, कढ़ी टेस्टी है, हेल्दी भी है। उसमें हमने लौंग और दालचीनी का तड़का भी दिया है, जो पाउडर करके रख दिया था, बस 1/4 स्पून देना है, तो अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें बहुत सारे मसाले पड़ते हैं, इसलिए हेल्दी बहुत है। और इसके हमने मुठिया के साथ सर्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।